कमेसार जी परम आध्यात्मिक ग्रंथ कुंद कुंदाचार्य जी की हम भक्त जीवों के लिए एक अनुपम भेंट है। यह एक ऐसा परमागम है जिस ग्रंथ में हमारे सैकालिक वास्तविक स्वरूप को बताया है, उस स्वरूप को बताया है जिस स्वरूप को जाने बिना अनादि काल से अज्ञान मिथ्या और कसाय चल रही है, और जिस स्वरूप को जानकर अनादि काल का अज्ञान मिथ्या और कसाय उत्पन्न नहीं होंगी। परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे और अल्प काल में अनंत अव्यवास सुख की प्राप्ति होगी। वह चर्चा इस महान ग्रंथाधिराज में कुंद कुंद आचार्य देव ने ली है। जिनवाणी में संयोग का भी ज्ञान कराया है, शरीर का भी ज्ञान कराया है, विकार का भी ज्ञान कराया है, मति श्रुत ज्ञान रूप जो दशा है उसका भी ज्ञान कराया है, लक्षण को भी बताया है, मतलब जो है सब सबका कथन किया है, लेकिन किसके आश्रय से निर्विकल्पता की प्राप्ति होगी, कर्म कटेंगे, वो अद्भुत चर्चा इस ग्रंथ में ली गई। बहुत अलौकिक यह ग्रंथ है और हमारा ज्ञान जब अलौकिक ग्रंथ में बताए गए अलौकिक तत्व को जानने के लिए अलौकिक रीति से काम करेगा तभी वो बात हमारे समझ में आएगी। 415 गाथा के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए कल एक साथ इसका हम पठन करेंगे। गाथा नंबर 415। जो समय पाहुड मीणम परिधूनम अथ तच्चदो नादुम यह समय प्रावृत पठन करके गाथा में सिर्फ संक्षेप में थोड़ी सी बात आचार्य देव ने कही। जो आत्मा इस समय प्रावृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा, अर्थ और तत्व से जानकर किसको जानकर अर्थ और तत्व से जानकर अर्थ मतलब तत्व मतलब स्वरूप, अपनी सत्ता और अपना स्वरूप, मैं हूं
पहले तो सत्ता की सिद्धि हो, सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी तो भाई मकान बनाओ, मंदिर बनाओ, कहाँ बनाए पहले कोई सत्ता को सिद्ध हो। चलो कहाँ चले, चलिए साहब कहाँ चले, पहले किसी चीज की ज्ञान में सत्ता, फिर हम वहां चले। लेकिन क्यों चले, अरे वहां चलोगे तो कैसी वो कैसी जगह है, आप वो खाओ, क्या खाए, वस्तु का नाम लिया, क्यों खाए, अरे एक बार खाके तो देखो, खाके देखो मतलब उसका स्वरूप उसका। ऐसे ही आत्मा को जानो, आत्मा है इसका नाम है अर्थ, आत्मा है, समयसार है, शुद्धात्मा है कि नहीं। देखो शरीर भी है, नोट कर लेना, कर्म भी है, कसाय भी है, मतिशुद्ध ज्ञान भी है, लेकिन इनसे भिन्न आत्मा भी है, शुद्धात्मा है कि नहीं, अरे है कि नहीं है। सुनो अनंत गुण भी है, लेकिन अनंत गुण आत्मा नहीं है, अनंत गुणमयी अभेद वस्तु आत्मा है। क्या कहा, यदि अनंत गुण आत्मा हो तो अनंत आत्मा हो जाए। क्या कहा, क्या कहा, 28 प्रदेश और 7 केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं, 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, भारत कितने हैं, 35 हो गए नहीं हो गए, भारत कितने हैं, ऐसे शुद्धात्मा कितना है, 1। शुद्धात्मा है इसका नाम क्या है, अर्थ। वो शुद्धात्मा कैसा है, कैसा है, सबसे पहले 6वीं गाथा की टीका में भी जब टीका लिखी तो सबसे पहले ऐसा लिखा जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। लिख लो आप, सबसे पहले काल से चर्चा करते हैं, किससे, सबसे पहले जीवक शक्ति बताई, अस्तित्व गुण बताया, क्यों बताया, इसके पीछे भी एक साइंस है, क्यों बताया, क्योंकि सबसे पहले वो वस्तु की अनादि अनंतता, इस सत्ता की सिद्धि। दूसरा कारण इसका कि इस जीव को सबसे बड़ा भय है मरना जाऊं, इसका भय है मरना जाऊं, कुछ हो ना जाए, 24 घंटे एक आवाज, क्या आवाज आती है, बेटा देख के चलो मर जाओगे, तो अच्छे से खाओ मर जाओगे, टेंशन ना हो जाए मर जाओगे, गाड़ी धीरे चलाओ मर न जाओ, 24 घंटे बोलो। पूरी दुनिया चाहे आतंकवाद से हो चाहे स्वाइन फ्लू से हो किससे भयभीत है, एक आवाज पूरी दुनिया में। और कल रात्रि में इसकी चर्चा अपनी आई थी, व्हाट इज द डेथ, बहुत बढ़िया मोक्ष, बहुत बढ़िया बच्चा है। हाँ बेटा बोलो, सुरेन जी बोलो, हिंदी में बोलो, मातृभाषा में बोलो, क्या है मौत, ओहो जीवन मेरा अविनाशी, जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत, यह रहस्य अब जान लिया मैं ही सच्चा संत। कौन, जिस ज्ञान ने जाना मैं अविनाशी हूँ, लिख लो, वो ज्ञान संत बन गया। शरीर संत नहीं बनता, पीसी कमंडल संत नहीं बनते, कौन संत बनता है, ज्ञान की पर्याय, अविनाशी हूँ मैं, सम्यक ज्ञान, जन्म मरण की भ्रांति मिटी, सम्यक दर्शन, लिख लो, निर्भय परिणति उत्पन्न हुई, सम्यक चारित्र। क्या कहा, जीवन कैसा है मेरा,
स्वरूप चल रहा है, अर्थ शुद्धात्मा का हो, समयसार का हो, कारण परमात्मा का हो, स्वय तत्व का हो, जीव तत्व का हो, निज का हो, लिख लेना, सब ये पर्यायवाची है। कैसे है सब ये पर्यायवाची। तो निज कैसा है, देखो निज है इसको कहा अर्थ, निज है। अब निज का तत्व क्या है सुनील जी, निज का तत्व क्या है, वो अनादि अनंत है। ये क्या है, ये उसका तत्व, उसका स्वरूप कैसा है वो। ओहो, जब ज्ञान में जाना मैं अनादि अनंत हूं तो कुमरण करना है कि समाधि मरण करना है, अमित क्या करना है, कुमरण की समाधि मरण, नहीं जन्मू नहीं मरता। ओहो कैसा तत्व में, ऐसा स्वरूप जाना। देखो स्वरूप तो ऐसा है, क्या कहा, स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन आज जिनवाणी माँ की कृपा से इस समय साजी ग्रंथ से जाना कि मैं ज्ञायक हूँ। कब से हूँ, कब तक रहूंगा, कब जन्मा हूँ, कब मरूंगा, जब जन्मा नहीं तो बालक मोक्ष। कितने साल के हुए, देखो लड़का होगी लड़की, ऐसे ही अपना ज्ञान भी आश्चर्य कर रहा है सुन सुन के, हक्का बक्का है मुझे तो इन बातों की। अब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अब बात बदलो, ओहो आज मुझे इस बात की खबर हो गई, मैं ज्ञायक हूँ और ज्ञायक ही रहता हूँ। कब से हूँ, अभी हूँ कि नहीं, अनंत काल तक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, रहूंगा। ये तत्व काल से बताया, सबसे पहले छठवीं गाथा की टीका में भी किससे उत्पन्न हुआ, नोट करो, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ तो कोई मेरे जनक नहीं, कोई मेरी जननी नहीं, किससे राम, कोई मुझे मारने वाला नहीं, कोई शत्रु नहीं, किससे द्वेष, अविनाशी स्वरूप को जानकर भी विरागता उत्पन्न हो गई। क्या कहा, हुई कि नहीं हुई, अब सब आश्चर्य नहीं, हुई कि नहीं हुई, अरे बोलो तो कैसे हुई, कैसे हुई कि मैंने आज जिनवाणी के माध्यम से जाना मैं ज्ञायक हूँ, और कैसा ज्ञायक हूँ, अविनाशी ज्ञायक हूँ, कैसा ज्ञायक हूँ, तो ऐसा जो ज्ञान है वो सच्चा कि झूठा, ऐसा विश्वास, एक सच्ची घटना है, आदरणीय बड़े पंडित साहब ने सुनाई, आपने भी सुनी होगी प्रवचनों में कभी कैसेट में, सच्ची घटना है। भिंड मुरैना इलाका खतरनाक है, संभल के डाकू होगा, पाठशाला के बच्चे को डाकू उठाकर ले गए अपहरण करके, सच्ची घटना है, 10-12 साल का बच्चा डाकू ले गए उठाकर, और एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, वो जंगलों में डाकू उसको भूखा प्यासा जो कुछ भी, जो भी खिला रहा है, जो कुछ भी चल रहा, 3-4 दिन हो गए, उधर आए डाकुओं का सरदार, सब बैठे थे, और बोले वो लड़के से, बेटा अपनी भाषा में, तेरे बाप ने अभी शाम तक पैसे नहीं भेजे 10 लाख रुपए जो भी, तो तुझे हम मार डालेंगे। लड़का भी 3-4 दिन परेशान हो गया उनके साथ रह रहे थे, उसे भी गुस्सा आ गया, तो बिल्कुल पंडित साहब ने ऐसे बताया, बड़े पंडित साहब ने, वो बोला मैं मार, आत्मा तो अमर है, मैं कभी मरते नहीं हूँ, मार। कौन बोल रहा है, कौन से बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किस परिस्थिति में बोल रहा है, देखो ये संस्कार, आत्मा कभी कौन नहीं मरता, कौन नहीं मरता, कौन नहीं मरता, ऐसी अनुभूति, ऐसी फीलिंग, मैं मरता नहीं हूं,
कल रात में बताया था, यदि मर गया होता तो अभी यहाँ पर कैसे होता, नंबर एक। और यदि जो संयोग शरीर कर्म कसाय मेरे कहे जाते हैं, जिसे तुम अपना जीवन समझते हो, यदि वो तुम्हारा जीवन होता तो वो तो सब वहीं छूट गया, नहीं छूट गया? पिछले वक्त की पत्नी, बच्चे, दुकान, घर, गृहस्थी, मंदिर, मस्जिद, जो कुछ भी गुरुद्वारा नहीं हो, जो कुछ भी हो सुने भव में, वे सब तो राग द्वेष पुण्य पाप के भाव, वे सब तो वहीं छूट गए। नोट कर लो, इस भव के भी यही छूट जाएंगे। क्या कहा जी साहब, क्या कहा? इस भव के भी यही छूट जाएंगे। इस भव में जो है वो अपने है कि नहीं? पत्नी, बच्चे, शरीर, ये अपने है कि नहीं? अभी अरे है कि नहीं? कितने से अपने हैं? नोट करो, नोट करो, कितने से अपने हैं? ये पुण्य पाप के भाव कितने से अपने हैं? इधर देखो, कितने से अपने हैं? सुनो, अपने नहीं है, कहते हैं ये व्यवहार में। क्या कहा, क्या कहा? हमने भी मानने की बात नहीं की, वो तो छुड़ाने की बात कर रहे हैं। विकास जी, आपके पास शक्कर का डिब्बा है, चावल का नहीं है? सच्ची बोलते तो ऐसे ही है, नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? शक्कर का डिब्बा उठाओ। किसका डिब्बा? कितने परसेंट शक्कर का डिब्बा है? निश्चय नहीं से है कि व्यवहार नहीं से है? बोलो। ऐसे ही मैं अभी कौन से लैसे मनुष्य हूं? किसने से, किसने से मैं रागी जैसी पापी हूं? ये नयो का स्वरूप भी बड़ा गजब का है, कभी आएंगे आगे? आठ नहीं, अद्भुत चर्चा है, अद्भुत। चार्ट तो देखा होगा आपने, आठ नयों का क्लास को भी अटेंड की होगी। अरणी भाई सब तो बहुत लिखे हैं, बहुत मार्मिक चर्चा। जिसने नयों का व्यवस्थित ज्ञान नहीं किया, नोट कर लो, वो जिनवाणी का एक शब्द ना पढ़ सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है। उसका ज्ञान कैसे दूर होगा? मिथ्यात कैसे मिटेगा? कसाय दूर कैसे होंगी? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्राणी आनंद मार्ग कैसे प्रकटेगा? निश्चिंतता का, निर्भयता का मार्ग। क्योंकि गलती निश्चय से अविनाशी है, व्यवहार से जन्मते मरते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? पुट्ठे का डिब्बा है, उसमें मिठाई रखी है, तो दारे कैसा बोलते हैं? वो मिठाई उठाना नहीं बोलते? अरे हाना तो करो, क्या बोलते हैं? मिठाई उठाना, वो डिब्बा उठा के लाए, उसमें एक भी पीस मिठाई का नहीं था, फिर क्या करते हैं? बोला क्या था? मिठाई उठाना, मिठाई का डिब्बा उठाना, मिठाई खत्म हो गई, तो डिब्बा कितना खाएंगे? ग्यारहवीं गाथा, टीका और भावार्थ नोट कर लो, गहराई से अध्ययन करना। सुनिए, गहराई से अध्ययन करना, बहुत मर्म है, बहुत मर्म। और यदि नहीं करता तो ग्यारहवीं गाथा पे ब्रिजिस्तान प्रवचन हुए थे भी चार पांच महीने पहले, लगभग 25-30 प्रवचन होंगे गाथा टीका भावार्थ से। इतनी चर्चा, इतनी मार्मिक चर्चा, बहुत अद्भुत। वो सब बुद्ध बुद्धनी ग्रुप से है, सब उसकी जो लिंक है चल रहा है वहां पे, वो उसका बहुत मार्मिक चर्चा। क्या स्वरूप है आचार्यों के, शब्द कैसे हैं? व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, क्या शब्द लिखे हैं?
व्यवहार से विमोहित, विमोहित मतलब यहाँ पे कितने लोगों का शराब पीने का त्याग है, हाथ खड़े करो, कौन कौन शराब नहीं पीता। अब शराब क्या है, मोए महामद स्वरूप ही नहीं पता। सद सतोर विशेषाद है ना, तत्वार सूत्र जी के पहले अध्याय का 30वां सूत्र, सत असत के मिलने के बिना क्या चल रहा है। तू शुद्धात्मा को शुद्धात्मा कहे तो भी झूठ, शरीर को शरीर कहे तो भी झूठ। क्यों? क्योंकि सत असत का निर्णय नहीं है। शराबी माता को माता कहे, पत्नी को पत्नी कहे, सब गलत है। सुलझा रहे आइए, स्वाध्याय चाहिए बढ़िया। स्वामी जी कहते थे दो चार घंटे तो कम से कम स्वाध्याय होना चाहिए। क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ में पड़ गया और बनिया धंधा व्यापार में चला गया, चला गया। मैं मेरा मेरा, मैंने किया। सेठ स्वामी जी ऐसा बोलते थे, सेठ बकरी के पेट में जाकर उनका लटकेगा, जन्मेगा, मैं कहता हुआ सेठ जी मेंढक बन गए थे, नहीं बन गए थे, याद है कि नहीं? प्रथमानि योग मेंढक बन गए। वेद विज्ञान चाहिए। किसका अहंकार करते हो, कहां गए चक्री जिन जीता, कहां गए वे राम और कहां गए, कहां रुक्मणी सतभामा सुवरण की, कहां चले गए सब, है क्या तुम पे? टूटी फूटी पत्नी, मतलब बुरा मत मानना, टूटी फूटी का मतलब कहीं कमर कहीं सिर कहीं नहीं है दिक्कत, टूटा फूटा मकान टूटी फूटी गाड़ी है क्या, टूटा फूटा शरीर टूटे फूटे परिणाम नहीं है क्या? है एक चीज पूछो तो बोल नहीं पाओ, सब चीज टूटी फूटी पड़ी है, क्या कहें? और घमंड ऐसा है, बरगद की बात करते हैं गमले में हो गए लोग, क्या क्या स्वरूप है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी, जितनी बची है उसको राइट इन्वेस्ट कर दो, राइट इन्वेस्ट। जो समय शक्ति ज्ञान और साधन, चार चीज बोलिए कौन कौन सी। दूसरी बात, 24 घंटे में आपके हमें 24 घंटे नहीं चाहिए, आत्म कल्याण के लिए 24 घंटे में यदि आप क्वालिटी वाले 2 घंटे भी दे दो, कितने घंटे, कुल 2 घंटे, लेकिन क्वालिटी वाले चाहिए, जमाना आज क्वालिटी का है क्वांटिटी का नहीं है, 2 घंटे सिर्फ क्वालिटी वाले, आपका काम हो जाएगा बहुत सरलता से हो जाएगा। कल आपको 4 चीज बताई थी, 3 चीज स्वाध्याय कैसे करें, पहला एक साथ बोलो, दूसरा, तीसरा, पहला कैसे चाहिए विकास जी, क्रमिक, बाल वो देख से छोटा बड़ा से क्रमिक चाहिए, दूसरा रेगुलरिटी चाहिए, आज आ गए कल नहीं आए परसों आ गए ऐसा नहीं चाहिए, कुछ उठाया कुछ पढ़ लिया कुछ सुन लिया कहीं से सुन लिया कोई का प्रवचन सुन लिया व्हाट्सएप पे फिर आधा सुना ऐसा नहीं चाहिए, जिससे बद्ध क्रमिक और नियमित। तीसरा और वजनदार है, कैसा चाहिए, जो पढ़ रहे हैं सरल कविया जगत में ये लाइन हम पढ़ रहे हैं, तो विद्वानों से अर्थ पूछो,
लिखा है सरल कही है जगत में, पर हमें लग रहा है जैन धर्म से कठिन धर्म कोई से नहीं है। आप कह रहे हैं सरल, पढ़ रहे हैं सरल, और ज्ञान में क्या चल रहा है, गड़बड़ नहीं है, सरल है, सरल है। पानी शीतल होता है स्वभाव से, चलो ये बात स्वीकार करना सरल है कठिन है। शक्कर मीठी होती है, जिसमें डालते हैं अभी एग्जाम्पल में, उसको भी वो मीठा कर देती है, सरल है कठिन है। और अनपढ़ भी उसका प्रयोग करते हैं और आनंद में जीवन जीते नहीं जीते उसके ज्ञान विश्वास पूर्वक। ऐसे ही यहां पर आज दोपहर में 3:15 बजे चर्चा करेंगे, 3 शब्दों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से, विश्व, संसार और मैं, 3 शब्दों पर। पूरी दुनिया घुमा देंगे आपको 1 घंटे में, पूरी दुनिया, सब कुछ, सारा अंदर भी क्या मटेरियल है, और फिर मैं कौन हूं, कैसे काम होगा, तो आना कि नहीं आना, कौन कौन नहीं आएंगे हाथ खड़े करें, 3:15 बजे मतलब सब आएंगे, ये बढ़िया है। क्या चर्चा चल रही थी अपनी, अर्थ और तत्व, अर्थ मतलब सत्ता, तत्व मतलब स्वरूप, ये लिखा है अर्थ और तत्व से जान कर, क्या करके उसके अर्थ में स्थित होगा, अर्थ मतलब यहां पर वो जो सत्ता स्वरूप हमने बताई, तो तुम अब उसको जान कर उसमें ही स्थित हो जाओ, उसके अर्थ में मतलब उसके बताने का प्रयोजन क्या है, अर्थ मतलब यहां पर उसके प्रयोजन में, उसके स्वरूप में, समझ में आए, स्थित होगा अर्थात ऐसा ही अपने को अनुभव करेगा। कैसा अनुभव करेगा, कैसा अनुभव करेगा, मैं जीव हूं, कब से हूं, कब तक रहूंगा, जन्म मरण, सुनो जब जन्मा नहीं तो बालक हूं, युवा हूं, वृद्ध हूं, ये बीच की अवस्था है, समाप्त, राग द्वेष, कौन सी अवस्था अच्छी है बोलो, अरे ये अवस्थाएं मेरी है ही नहीं, मैं तो अवस्थातीत तत्व हूं, कैसा तत्व हूं, अवस्थातीत तत्व, ये मेरा स्वरूप नहीं है, बराबर। दूसरा, तत्व के अर्थ में, अर्थ और तत्व के अर्थ में स्थित होगा, जो शुद्धात्मा है वो पूर्ण है कि अपूर्ण है बोलो, कैसा है, वस्तु स्वभाव से पूर्ण होती है कि अपूर्ण होती है, कैसी होती है, पूर्ण है। पूर्ण का मतलब यहां पर यदि अपन अभी भेद करके देखें तो मेरे में कितने गुण है बोलो, कितनी शक्तियां हैं, कितने धर्म हैं, प्रदेश कितने हैं, है कि नहीं, और ज्ञान स्वभाव है कि नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा वैभव, ये मेरा साम्राज्य, कितना कितना, कब से है, कब तक रहेगा बोलो, कब तक रहेगा, ये जो प्लेन होते हैं ना हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह, इसमें एक चीज होती है, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स, सुना है नाम, भैया हाथों करो कुछ, सुना भी नहीं सुना, क्या होता है वो, जो ब्लैक बॉक्स होता है वो क्या होता है, एक डिब्बा होता है, और वो डिब्बा ऐसा होता है कि प्लेन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी, उस सब की रिकॉर्डिंग उसमें होती है, लेकिन वो होता कैसा है कि प्लेन पूरा नष्ट हो जाए, आग लग जाए, विस्फोट हो जाए, समुद्र में गिर जाए, पहाड़ पर गिरे, सब नष्ट हो जाए, लेकिन वो सुरक्षित रहता है, उसके अंदर का माल सुरक्षित रहता है, समझ में आया,
लिख लो, ऐसे ही आत्मा भी अनादि काल से चार गति 84 लाख योनियां निगोदादी अवस्था है, मोराग देश के विस्फोट कसायों की अग्नि इन सबके बीच में भी रहा, लेकिन आत्मा का द्रव्य, आत्मा का एक भी गुण, आत्मा का एक भी प्रदेश कम हुआ, घटा, स्क्रैच आया तो मैं कैसा हूँ? बोलो कैसा हूँ मैं? परिपूर्ण हूँ, अखंड वैभव से वैभववान हूँ, सुरक्षित तत्व हूँ। कैसा तत्व हूँ? कौन सुरक्षित है? किसके बीच में? चार गति 84 लाख योनियां, कोई सा शरीर हो, कोई से कर्म का उदय हो और कोई से भी परिणाम हो। क्या कहा? सबसे बड़ी बात ये लिखना, कोई से भी कृष्ण लक्ष्या के परिणाम हो, घोर मिथ्यात के परिणाम हो, कैसे ही राग द्वेष मोह चल रहा हो, लेकिन मेरी सत्ता स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे वैभव में, मेरे परिग्रह में। लिख लो, बस ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और अपने सुरक्षित वैभव का आनंद, ये इसका नाम है उसके अर्थ में स्थित हो गया, उत्तम सौख्य की प्राप्ति। अभी अभी गाड़ी चलेगी आगे और सरल होगी, बराबर। तो अर्थ और तत्व से जान कर उसके अर्थ में स्थित होगा, वह उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। इतना विषय पक्का हुआ गाथा का। अब कई जो हमने विषय उठाया था उस विषय को थोड़ा सा संक्षेप में समेट कर आगे चर्चा कर रहे हैं। कल क्या विषय उठाया था कोई बता सकता है? पंडित साहब कल की बहुत मार्मिक चर्चा थी, संक्षेप में उसको ले रहे हैं क्योंकि बहुत से नए लोग भी हैं और विषय को पक्का करेगा। कल ये विषय उठाया था, यहाँ पर ज्ञायक अर्थ और तत्व तो एक है राजेंद्र जी, कितने हैं? एक। लेकिन भेद से अभी अपने अर्थ और तत्व कितने हैं, संयोग में कितने हैं, विभाव रूप कितने हैं, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। और गलती है यहाँ पर इतने सारे, लेकिन ज्ञान क्या समझ रहा है? एक ही, मतलब अनेक को एक समझना ही अज्ञानता। अनेक के अनेक काम चल रहे हैं, लेकिन क्या समझ रहा है सब काम? नहीं कर रहा हूं, ये अज्ञानता, ये भ्रांति, 24 घंटे राग द्वेष के विस्फोट हो रहे मेरा, बराबर। यहां पर कितने अर्थ और तत्व हैं उसकी चर्चा कल बताए थे। ये थोड़ी सी आवाज बढ़ा, ताकत लग रही है। रिटर्न आपको आवाज कैसी आ रही है? आपसे तो अच्छी आ रही है, हमारे पास स्पीकर नहीं है ना, थोड़ी सी ऐसी लग रही है, थोड़ी सी बढ़ा लग रही, थोड़ी बिल्कुल बस ठीक आ रही है, दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर मैं जीव द्रव्य हूँ कि नहीं? तो जीव द्रव्य है इसको क्या कहते हैं? अर्थ। और जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य ही बना रहता है, उसको क्या कहते हैं? तत्व। पक्का जीव द्रव्य है। यहाँ पर गुण कितने हैं? नोट करना जिनने कल नहीं कर पाया था व्यवस्थित। गुण कितने हैं? गुण सत्ता कितनी है? गुण अर्थ कितने हैं? अनंत। ज्ञान गुण है कि नहीं? ज्ञान गुण है। ये अर्थ और ज्ञान गुण का स्वभाव क्या है? जानना नहीं, जानना तो पर्याय का स्वभाव है। जानना काम किसका है? पर्याय का। द्रव अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग है। ज्ञान गुण का स्वभाव क्या है? वो ज्ञान गुण बना रहता है। या जीवत शक्ति है कि नहीं? जीवत शक्ति है। तो जीवत शक्ति का स्वभाव क्या है? जीवत अभी अभी और अंदर अंदर बहुत माल है, अस्तित्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। शक्ति है कि नहीं? नित्य धर्म है कि नहीं? अरे बोलो, अनित्य धर्म है कि नहीं?
तो अनित्य धर्म द्रव्य में है कि पर्याय में है? प्रमोद जी, अनित्य धर्म नित्य है कि अनित्य है? तो जैसे ज्ञान गुण है ऐसे ही अनित्य नाम का धर्म भी है, है? है? अनित्य धर्म है, जैसे ज्ञान गुण त्रिकाली है, निष्क्रिय है, ऐसे अनित्य धर्म भी निष्क्रिय है। क्या कहा? क्या कहा? अच्छा बात है, वस्तु का स्वरूप वैचित्र है। अनेकांत की चर्चा बहुत अद्भुत है, ये विषय है गजब की। अनेकांत यादवार इस पर कम से कम 10-12 घंटे चर्चा चले, बहुत मन में। दूसरे कलश से है ना, दूसरा कलश किसी का, उसका स्वरूप देखना, दूसरे कलश का। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य वेद प्रकाश था, क्या भाव है उसमें, अद्भुत चर्चा है। आपको अपना समय शक्ति ज्ञान यहां लगाना पड़ेगा, बस चीजें सब है, सब भरे हैं, खजाने का भरे है। आपको जरूरत है समय शक्ति ज्ञान देने की। तो ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, अस्तित्व गुण है। ऐसे गुण कितने हैं? अनंत। शक्तियां कितनी है? अनंत। धर्म युगल कितने हैं? अनंत। इस एक पॉइंट पर है कि नहीं? है कि नहीं? यहां भी है कि नहीं? यहां भी है कि नहीं? देखो, द्रव्य के संपूर्ण भाव और संपूर्ण प्रदेशों में, अवस्थाओं में है कि नहीं? यहां भी ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चायत गुण है, अस्तित्व शक्ति है। कहां पर? अच्छा, घुटने में है कि नहीं? घुटने मतलब घुटने में आत्मा के प्रवेश है, जीव द्रव्य है। नाखून में है कि नहीं? देखो गजब बात है, जहां नाखून है आत्मा के प्रवेश है, वहां जीव द्रव्य है। एक अपने जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य तो एक ही है, अर्थ और तत्व का। लेकिन गुण कितने हैं? तो गुण अर्थ और तत्व कितने? कल बताया कि अक्षय अनंत। कितने स्थान दिया था? समुद्र, स्वयं समुद्र का पूरा, वैसे अनंत उसमें रत्न है। कहां पर? आगा राजू का रत्न राशि भरी है। ऐसे ही मेरे में अक्षय अनंत गुण धर्म और शक्तियां है। तो कितने अक्षर तत्व हो गए? अक्षय अनंत। कहां पर? यहीं पर है सारे। पक्का? जब गुण अनंत है तो पर्याय कितनी है? बोलो, नहीं है? जानना जानना जानना, या विशेष कहते हो भी अज्ञानता है कि नहीं? अज्ञान है, और उसका स्वरूप है। इसमें कलश लिखे, अज्ञान से क्या नहीं होता। कलश लिखे, अज्ञान से मृग मरीची का में चमकती रेत में पानी दिखता है, पहले लगता है पानी वो, फिर भ्रांति, फिर वो हिरण दौड़ता है। मिथ्याचार क्या नहीं होता? अज्ञान का स्वरूप अलग है, लिख लो, मिथ्यात्व का स्वरूप अलग है, उनके बंध भी अलग अलग होते हैं। अनंतानुबंधी राग द्वेष का स्वरूप मिथ्याचार का कसाय का अलग है, पाप भाव का स्वरूप अलग है और पुण्य भाव का अलग है। पाप भाव से नरक और पुण्य भाव से स्वर्ग है कि नहीं? पाप भाव की सत्ता और पाप भाव का स्वरूप अर्थ और तत्व, अर्थ और तत्व। अविनाश भाई समझ आ रही बात? अर्थ और तत्व, पाप भाव है ये अर्थ और पाप भाव का स्वरूप है। देखो अभी यहां पर किसी को हिंसा का भाव आ जाए, किसी को देख के एकदम प्रवचन सुनते सुनते हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, कैसा लगता है? गिलानी लगती है? और बहुत अच्छा चिंतन चले तो कैसा लगता है? बहुत भक्ति का भाव हो, अच्छा। तो हिंसा का भाव, पाप भाव, उसकी सत्ता और उसका स्वरूप। तो सत्ता मतलब अर्थ और उसका जो स्वरूप है, भावासन हो रहा है,
स्वरूप, तो ऐसे अनंत पर्याय है और उन उन पर्यायों का अपना अपना स्वरूप है, तो कितने असुर तत्व हो गए? विकास भाई कौन आ रहा है? जीव द्रव्य अर्थ और तत्व एक, गुण कितने? अक्षय अनंत, और पर्याय कितनी? देखो ऐसे अनंत अर्थ और तत्व ये भेद से अभी मेरा स्वरूप है, भेद है ना, ये द्रव्य गुण पर्याय का भेद से पक्का हुआ। इतने अर्थ और तत्व है और ज्ञान नहीं है एक का, नोट कर लो, अज्ञान, विश्वास नहीं है एक का, मिथ्या दर्शन। एक का जब ज्ञान विश्वास नहीं है तो वैभव का आनंद आएगा नहीं आएगा? सरल दृष्टांत, पुराने जमाने की बात है, 25-40 साल पहले जब सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, था कि नहीं ऐसा, दुर्दशा थी सारी। आप किसी काम से आसपास किसी जगह जा रहे हैं, शहर में, कौन सा आसपास कोई शहर है, सपोज कर ललितपुर जाना है आपको बिजनेस के काम से, सुबह 8 बजे बस चलती है और शाम को वो ही बस 4 बजे लौटती है, ऐसा पहले होता था? एक ही बस चलती है, ठीक है, अरे आना तो करो कुछ, ठीक है। तो माता जी बोली, बेटा तुम जा रहे हो, बारिश का समय है, ये टिफिन रख लो। क्या रख लो? ये रख लो टिफिन। तो वो तो जवान लड़का, अरे आप भी क्या बात कर रही हो, मैंने अभी खा लिया और 4 बजे तक वापस है, आ जाऊंगा मैं, आप चिंता मत करो। उसने नहीं रखा, लेकिन माता जी अनुभवी है, समझदार है, दूरदृष्टि वाली है, तो जमाना देखा है, उनने चुपचाप उसके बैग में पूरी सब्जी जो कुछ भी नमकीन मीठा रखना था वो रख दिया, ठीक है साहब। बच्चे ने तो बैग उठाया और रवाना, बड़ी सीट के नीचे बैग रखा, मस्ती से बैठे। बारिश का समय था, गाड़ी चली 10-20 किलोमीटर दूर, तेज पानी, बहुत तेज पानी, और गाड़ी चली धुआंधार पानी, आगे गई गाड़ी तो रास्ता बंद, पानी गिर गया, जरे जाके तो वो रहते चले गए नाले। अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा क्या करे भैया, वापस चलो। जब वापस चलने को हुए तो पीछे का नाला भी छोड़ गया। अब क्या करे, 5 घंटे हो गए 6 घंटे हो गए, पानी गिर रहा है, नाले चढ़े हैं, अब क्या हो रहा है, मोक्ष क्या होगा? सुबह का खाया है 8 बजे का, अब क्या होगा, 3 बज गए, भूख लगेगी। अब देखो भूख लग रही है तो परेशान है, दुखी हो रहा है, तरह तरह के संकल्प विकल्प, तो माता जी की बात मान लेते, कौन सी माता जी की? जिनवाणी माँ की, महात्मा की, आत्मा की, सब माई माँ है। माता जी की बात मान लेते तो प्रश्न है उसके पास भोजन है कि नहीं, भोजन है लेकिन भूखा क्यों है, पाप कितने हैं, अपराध कितने हैं, गलती कितनी है। स्वरूप तो यहाँ पर विद्यमान है, सब लिखा है, विद्वान सब समझा रहे हैं, लेकिन हमने आज तक वैसे जाना नहीं, माना नहीं, पहले जाना नहीं है, उस तरह से स्वरूप को सुना ही नहीं है। वो लड़का उसी भोजन के ऊपर बैठा है, क्या कहा सुनिया जी साहब, कहाँ बैठा है, वो क्या बोल रहा है, काश भोजन होता, टिफिन रख लेता, टिफिन है कि नहीं, भोजन है कि नहीं, भूखा क्यों मर रहा है, दुखी क्यों है, माता जी की माला क्यों फेर रहा है। गजब, हम भी अरंत से गरंत, माला फेरने की दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वरूप नहीं पता। तो कर लो 10 पूजा क्या होता है, बहुत गजब बात है। और उसने वैसे ही देखे तो झूला बैग, बैग खोला और खोलते सही
सबके पल्ले है, स्वरूप तो यहां पर बराबर जानना है बस, बराबर। तो मेरा द्रव अर्थ और तत्व कितना है यहां पर? एक। नोट कर लो, उसका नाम भी दिया है आचार्य ने प्रवचन सार जी 80 की गाथा, मैं चेतन हूं द्रव से। नोट कर लो, आपको एक चार्ट नहीं निकल, आज इसकी कॉपी नहीं निकलवा पाए, शायद से पढ़ाएंगे बाकायदा। मेरा द्रव का नाम क्या है? एक साल बोलो, चेतन। तत्व कैसा है 80 से? चेतन ही रहता है। चेतन क्या करता है? चेतन रहता है। गुण का नाम लिखो, गुण प्रयोजन परक है, ये विज्ञान करना है ना, संक्षिप्तीकरण करना है। मेरा गुण कौन सा है? चैतन्य। एक साथ बोलो, एक साथ बोलो, सब बोलो, चैतन्य। मेरा गुण कौन सा है? असाधारण गुण, स्पेशल, जो और किसी द्रव्य में नहीं है। गुण का नाम बोलो, चैतन्य, जिसे ज्ञान गुण कहते हैं। ज्ञान गुण है कि नहीं? ज्ञान गुण क्या करता है? ज्ञान गुण क्या करता है? लिखो, ज्ञान गुण बना रहता है। नित्य है ना, वो भी द्रव नित्य है और गुण भी नित्य है। ज्ञान गुण का स्वरूप क्या है? वो ज्ञान गुण बना रहता है, जो उसका तत्व। तो वो जी साहब, तीसरा पर्याय है कि नहीं? मेरी पर्याय कौन सी है? चेतना। कौन सी पर्याय है? चेतना, वो मेरी पर्याय है कि नहीं? एक साथ बोलो, तो पर्याय है ये अर्थ, और वो चेतना पर्याय क्या करती है प्रति समय? जानना, जानना, चेतना, 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 ये उसका तत्व। समझ में आया? अब अनंत में से प्रवचन सारणी की 80वीं गाथा में क्या किया? अनंत को गौण कर दिया, उसमें से कितने छांट लिए प्रयोजन भूत? तीन, चेतन, चेतन और चेतना, द्रव अर्थ तत्व, गुण अर्थ तत्व और पर्याय अर्थ तत्व। क्योंकि अब भेद विज्ञान करना है, मोह का नाश करना है, सुख की प्राप्ति करना है। क्लियर हुआ? किसे ये भी स्थापना है, चर्चा इसकी आगे चलेगी। प्रयोजन परक अध्यात्म में कितने अर्थ और तत्व बचे? तीन, द्रव गुण पर्याय। जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम। आगे, जो जानदि अपारम, किससे जानो? द्रव पने जानो, गुण पने जानो और पर्याय पने जानो। किसको जानो? अरंत को भी जानो, अपने को भी जानो। मैचिंग करो, मैचिंग, मैचिंग का जमाना है, उसी कलर की मैचिंग का, ऊपर से नीचे तक। ऐसे ही अरंत भगवान भी द्रव वाले हैं, अरंत भगवान भी गुण वाले हैं, अरंत भगवान भी पर्याय वाले हैं। अरंत भगवान का द्रव कैसा है? चेतन। उनका गुण कौन सा है? चेतन। तो उनकी पर्याय कौन सी है? चेतना। मेरा द्रव कौन सा है? चेतन। मेरा गुण कौन सा है? चेतन। मेरी पर्याय कौन सी है? चेतन। मैचिंग हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? अरंत भगवान व्यक्तिगत शरीर वाले होते हैं कि औदारिक शरीर वाले? बोलो जल्दी बोलो। अनंत भगवान घाती कर्म सहित है कि अघाती? बताओ। अनंत भगवान के पर्याय में क्या है? मोहराग देश की बीतराग का। सुनील जी जागृत प्रज्ञा छनी चाहिए। अनंत भगवान की पर्याय, पर्याय पना शब्द क्या डाला है? बहुत मार्मिक चर्चा है। अब यही चर्चा कम से कम दो चार घंटे चले तो भाव आता नहीं, चलेंगे लेकिन
चिंता नहीं करना, समय अपने पास है ही, गड्ढा तो एक ही जगह खोदना, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। उनकी पर्याय कौन सी है? चेतना। मेरी पर्याय कौन सी है? मैं हो गई। देखो स्तुति से बता रहे हैं, स्तुति से, और थोड़ा विशेष भेद विज्ञान के लिए। सकल ज्ञेय ज्ञायक, क्या कहा तुमने ध्यान से? सकल ज्ञेय ज्ञायक, ज्ञायक, ज्ञायक। अपने पे देखो, अल्प ज्ञेय ज्ञायक, फर्क क्या है दोनों में? नहीं आई समझ में? अम्बानी के पास 50,000 करोड़, हमारे पास 50 रुपए। बेटा मुंह में नहीं दोस्तों, अम्बानी के पास 50,000 करोड़, हमारे पास 50 रुपए। वो भी दाल रोटी खा रहे हैं, दूध नहीं पी पा रहे हैं, तेल नहीं खा पा रहे हैं, घी नहीं खा पा रहे हैं, शक्कर भी बंद है, गेहूं की रोटी भी नहीं पचा पा रहे हैं। पता है आपको वो लोग कौन सी रोटी खाते हैं? राई की। तरह तरह की चीजें आ गई आजकल हल्की, और क्या अंतर है बोलो, क्या अंतर है? अंतर बता दो। उनके 50,000 करोड़ बैंक में रखे हैं, शेयरों में है, फैक्ट्री है, वे भी ऐसे ही है दिगंबर। क्या कहा? कपड़ों के अंदर तो प्रकृति का स्वरूप ही दिगंबर है। पहला प्रवचन किया था रात में आके, उस दिन बीच रात भगवान का स्वरूप बताया था पूरा। प्रकृति में कोई कपड़े नहीं पहने, कोई कपड़े नहीं पहने। मुसलमान भी जन्मता है तो, श्वेतांबर भी जन्मते हैं तो दिगंबर। इसकी भी बड़ी व्याख्या और उसमें प्रयोजन है, बहुत मर्म है। जब गया था दुनिया से दोनों हाथ, क्या लाया था क्या ले जाएगा, है कि नहीं? बाहर का कुछ नहीं, समझ आ रहा है? तो अनंत भगवान सकल गए, लेकिन वे सकल गए में से कितने के ज्ञान में आए बोलो? अनंत भगवान शुद्ध भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, तो उनके ज्ञान में कितना आया नोट करो, कितना फायदा उससे, कितना फायदा? सुनो, हमारे ज्ञान में अल्प ये झलक रहे हैं, वो हमारे ज्ञान में आ रहे हैं, कितना फायदा? एक समान दोनों। नोट करो, एक बात याद आई बीच में, अरुण भाई साहब बहुत मार्मिक बात है, आदरणीय छोटे दादा ने बताई है, बहुत मार्मिक बात है। केवल ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है, उस केवल ज्ञान प्रकट होने से उस जीव को कुछ भी भला नहीं होता। क्या कहा? कोई भी फायदा नहीं होता। सुनिए, समझ आई नहीं आई? बहुत गजब बात है। केवल ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है, उस केवल ज्ञान का उस जीव को कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा काम तो पहले ही हो गया, 12वें स्थान में था, साक्षात्कारित पूर्ण सुख हो गया, पूर्ण मोह का नाश हो गया। ये भी गहरी चर्चा है समझने की। केवल ज्ञान प्रगटा तो उससे कौन झलक रहा है? लोकालोक। और लोकालोक से हमें कोई लाभ हानि है? उससे कुछ हमारा अच्छा बुरा होता है? कोई संबंध ही नहीं है। फिर केवल ज्ञान से होता क्या है? तो केवल ज्ञान में लोकालोक झलका, दिव्य ध्वनि खिली, तो हम भव्य जीवों को वस्तु स्वरूप मिला। तो फायदा किसका है? हमारा। उस जीव को कुछ नहीं होता। और केवल ज्ञान की एक परिभाषा एक पूजा में लिखी है, केवल ज्ञान किसे कहते हैं बोलो? केवल ज्ञान की परिभाषा,
केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। केवल ज्ञान में कौन प्रकाशित है? अरे जब अज्ञान दशा में शगमस्त के ज्ञान में पहले गुलस्थान में नोट कर लेना, जब अज्ञान दशा में ज्ञायक हूँ ऐसा लक्ष्य बनता है तब तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो केवल ज्ञान में कौन विषय बन रहा है? समझने की बात है पंडित साहब, समझने की बात है। अपने ज्ञान में भी किसे लक्ष्य बनाना है? नव तत्वों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाना है, नौ तत्वों को नहीं। किसको लक्ष्य बनाना है? दसवें तत्व को। दसवां तत्व कौन सा है? नौ पर्यायों से भिन्न जो ध्रुव रूप तत्व है उसको विषय बनाना। समझ आ रहा है? तो चेतन चैतन्य और इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया अध्यात्म प्रयोजन से, बराबर समय आपका हो गया। लेकिन 5 मिनट और लेंगे, अभी घड़ी में 9:50 हो रहे हैं। घड़ी आगे चल रही है पीछे चल रही है? तो 5 मिनट और ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 मिनट और ले लें। यहां पर मेरे अभी भेद से कितने अर्थ और तत्व हो गए? द्रव अर्थ तत्व एक, गुण अर्थ तत्व अनंत और पर्याय अर्थ तत्व अनंत एक समय में, इतना माल यहां पर है बराबर। दूसरा ये जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर का नाम क्या है? निकाल दी। नाम क्या है शरीर का? औदारिक शरीर। नोट कर लो क्या नाम है? औदारिक शरीर। आहार वर्णना से मिलकर बना है। किससे? आहार वर्णना। और आहार वर्णना मतलब पुद्गल के एक विशेष क्वालिटी के स्कंद पिंड, तो उनसे मिलकर बना। और इस शरीर में एक पॉइंट पर सुई की नोक रखी हमने, उस पॉइंट पर समझ लो आप अभी अनंत पुद्गल परमाणु है। कितने? अनंत असंख्या, जो भी आपको देखना हो। और यहीं पर एक इसमें जो चमक है इस शरीर में, वो तेजस शरीर कहलाता है। कौन सा? एक साथ बोलो, तेजस शरीर। वो भी वर्णा से मिलकर बना है। वो तेजस जाति की वर्णा अलग क्वालिटी की है। और औदारिक शरीर से सूक्ष्म है, उसमें उससे और अधिक ज्यादा परमाणु है। किसमें? तेजस में। तो उसके परमाणु है कि नहीं? और यही पर कारमण शरीर भी है, वो और सूक्ष्म है, उसमें उससे और ज्यादा पुद्गल परमाणु है। किससे? तेजस से भी। तो एक पॉइंट पर अनंत 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 पुद्गल परमाणु। नोट करो है कि नहीं? तो पुद्गल एक द्रव, उसका अर्थ और तत्व। और एक एक पुद्गल परमाणु में गुण कितने? कितने? अनंत अक्षय सामान्य और विशेष गुण, बराबर। तो कितने अर्थ और तत्व हो गए? और उनकी एक एक समय की पर्याय है कि नहीं? ठंडा गर्म रूखा चिकना भारी सफेद काली है कि नहीं? पर्याय सबकी उतने अर्थ और तत्व पक्का पक्का। कितने कितने हो गए? और सुनो, यहीं पर धर्म द्रव्य है कि नहीं? अधर्म द्रव्य है कि नहीं? काल द्रव्य है कि नहीं? तो उसके अर्थ और तत्व किस किस जगह पर? एक ही सुई के नोक पर, पॉइंट पर। और सुनो, यहां जो मांस का टुकड़ा है, यहीं पर जीव है कि नहीं? बैक्टीरिया वायरस है कि नहीं? तो एक एक जीव के साथ जितना अपन ने अपने साथ लगाया है, वो सब एक एक जीव के साथ जोड़ो। तो एक ही जगह पर कितने अर्थ और तत्व हैं? और किस किस के हैं? सिद्धार्थ भाई समझ में नहीं आ रहा गणित आ रहा है?
अब सुनो गणित, इतना अर्थ तत्व मटेरियल है और हजारों तरह का है और सबका है, लेकिन ज्ञान क्या समझ रहा है? कोई स्वरूप नहीं पता इसे, एक का भेद भी ज्ञान नहीं है। मेरा शरीर, मैं शरीर, मेरा शरीर सुंदर, मेरी आंख बढ़िया, मेरी नाक बढ़िया, तो अनंत अर्थ और तत्व जीव के, पुद्गल के, अन्य जीवों के, उनके उनके, ऐसे अनंत को अपना जान रहा है अनंत पाप। अनंत का विश्वास मिथ्या दर्शन, और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है अज्ञान पूर्वक, वो तो सब अनंतानुबंधी राज द्वेष के खाते में है, अनंत मिथ्या चारित्र का पाप। कुछ बात समझ में आई? और जब हम यहाँ पर अंतिम चर्चा, जब यहाँ पर हम सबसे छटनी कर एक ज्ञायक अर्थ और तत्व को जानेंगे, तो एक की अस्ति नोट करो और अनंत की नास्ति हो जाएगी, अनंत पाप नहीं लगेगा। आपके ज्ञान को पकड़कर यहाँ तक लाना है, ये लक्ष्य है। कितने तक लाना है? एक तक, एक दिखे आपको, कितने दिखे? एक दिखे, ठीक है। इसकी चर्चा विशेष कल करेंगे।